और सीधा लिए चलेंगे रायपुर, जहां पर प्रांतीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन है। ज्ञान ज्योति पर्व कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शिरकत करते नजर आ रहे हैं, तस्वीरें देखिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन आसुव ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराण वेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विधेम ओम त्रयम्बकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेको आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुधेमां कस्मै देवाय हविषाविधेव ओम भूर्भुवः स्वः तस्सभेदुर्परेण्यं अर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सवितः सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और भद्र कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। कार्यक्रम की घड़ी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय अंशुदेव आचार्य छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्यपत्नी सभा के प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान भूपेश बघेल जी का हमारे मंत्र के मंत्रों के द्वारा उनका एक स्वागत करेंगे। मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय प्रधान हमारे आर्य समाज के आर्य वेश जी का स्वागत करेंगे। साथ ही आचार्य से अनुरोध करूंगा मैं हमारे धर्म संस्कृति मंत्री माननीय अमरजीत भगत जी का स्वागत करेंगे। साथ ही कैबिनेट मंत्री दर्जा व आर्य समाज परिवार से जुड़े हुए बहुत पुराने श्रीमान गिरीश दिवाकर जी का भी स्वागत करेंगे। आचार्य से पुनः अनुरोध करूंगा राज्य मंत्री दर्जा श्रीमान आर एन वर्मा जी का भी स्वागत करेंगे। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक पल के लिए माननीय यशोदा आचार्य जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी मंत्री माननीय भुवनेश जी से, आप भी मुख्यमंत्री जी का ये विश्वानी देव रूपी पतका पहना करके संपूर्ण छत्तीसगढ़ के दुख को दूर करें, इसी भावना के साथ में उनको स्वागत करें, सम्मान करें। अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि देवता होते हैं और देवताओं से ही हमारा कल्याण होता है, तो इस हेतु से हम अतिथियों का सम्मान और मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, आए हमारे यशस्वी मंत्री भुवनेश जी पुनः कार्यक्रम को आगे इसको वर्धन करें, बढ़ाने का यत्न करें। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति दीप प्रज्वलन के बाद हम राजकीय गीत के लिए अपने राज्य माता छत्तीसगढ़ महातारी के सम्मान में राजकीय गीत गाते हैं।
आप सभी से अनुरोध है राजकीय गीत के लिए हम सभी खड़े होंगे। बड़े ही गौरव की बात है इस राजकीय गीत को एक सम्मान दिलवाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की, ओम का झंडा। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही क्षणी समय मिले हैं हमें मुख्यमंत्री जी के साथ। एक छोटा सा हमारी स्कूल की बालिकाओं ने छत्तीसगढ़ की कल्चर को अपने एक सांस्कृतिक नृत्य में दिखाना चाहा है। मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच पर उपस्थित हों। एक बार जोरदार तालियां से मेरे बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। इससे पूर्व पूरा विद्यालय जो तुलाराम आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से है उन बालिकाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे हैं। ये जो बालिकाएं हैं हमारे इसी रायपुर के जो टाटीबंध में स्थित है जहां पर 12वीं तक हिंदी मीडियम है, 12वीं तक इंग्लिश मीडियम है और 12वीं तक संस्कृत मीडियम संचालित है जिसका वर्षों से आर्य समाज संचालन कर रहा है। तो आर्य समाज टाटीबंध भी संचालित है जहां पर महर्षि दयानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वहां के बालिका आए हैं। अब उनसे बालिकाओं से अनुरोध करते हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम अपना प्रदर्शन करें। Thank you.
और मोर छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा मा मिल ही माया दुला। नदिया के तीर मा फूले कदम के फूल हो, फूल हो। अरे नदिया के तीर मा फूले कदम के फूल हो, और जब चल ही हमार राउत के दोहा सबो जही झूल हो। अटका मारा सटका मारा, सटका मारा। अरे अटका मारा सटका मारा, सटका मारा। और मारा तुम के तई तई हो, बीड़ी पिया थे डोकरा बाबा, डोकरा बाबा। और देखा है बड़का दाई। अरे सावन पर से रिमझिम भैया हो, भादो पर से गहीर हो, गहीर हो। कुआर झूमे धान जैसे हो, कार्तिक नाचे अहीर हो। ताली बजा करके सुंदर प्रस्तुति हमारे महर्षि दयानंद विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टाटीबंध के बालिकाओं द्वारा। अब छत्तीसगढ़ी में बोले के मन करत है। हमारे आर्यवेश जी सोच रहे होंगे क्या कल्चर है, तो हमारे कल्चर ये है, हमारे छत्तीसगढ़िया मन हमन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कथन सब संस्कृति ला समेट के चलैया अन हमन। और ये छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला हमार कका कका माने जाना तो कौन लगा थे कका, ठीक है नी। हमारे कका मन आज आए हैं तो पर ताली नहीं बजाओ, हमारे कका पर जोरदार ताली बजाओ। हमारे कका में हमारे कका है तो ठीक है नी, चिंता नहीं है। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति है। तो आगे मैं अब निवेदन करता हूं कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम ला हमन यही विराम देबो, क्या कर हमारे कका के बहुत सारे काम है, छत्तीसगढ़ ला बहुत आगे ले जाना है। और वो दहशत हम लोगों को मालूम है, तो समझिए अंग्रेजों के समय जो अमृतसर में जो घटना घटी है उस समय क्या माहौल रहा होगा, उस परिस्थिति में कैसे इस प्रकार विरोध स्वरूप आयोजन किया होगा महात्मा गांधी, नेहरू जी और सरदार सरस्वती जी ने, इसकी कल्पना की जा सकती है। वो साहस या वो प्रतिरोध की क्षमता जो सत्य के मार्ग में चल सकता वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। जब हम प्रजातंत्र में नहीं कर पा रहे थे, वीरम घाटी नहीं जा पा रहे थे, बस्तर नहीं जा पा रहे थे, ये सब साथी सब गवाह हैं, जानते हैं। उस समय उस दौर में विरोध में खड़ा होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा और उस दौर में नहीं जाऊंगा, गौठान के बारे में या रामोदमन पर्यटन पथ के बारे में तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कह दी, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं, जो हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है उससे जोड़ते हुए गौठान का निर्माण हमारी परंपराएं हैं। और गौशाला में होता यह है कि गौशाला जो चलाने वाले हैं उसी से गौ माता के संबंध हो जाते हैं, लेकिन मालिकों का जो पशु मालिक है या गौ माता के जिसके घर में है उससे संबंध टूट जाता है। हमने इसे गौठान किया डे केयर के रूप में, हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा, तो वो संबंध और प्रेम जो पशुधन के जो मालिक हैं उसके साथ बना रहना चाहिए। बहुत कोशिश की कि रात में क्यों नहीं रखते, मैं बोला जिस दिन रात में रखना शुरू करवा दूंगा ना उस दिन उस व्यक्ति का और गाय से संबंध टूट जाएगा, और इसलिए घर में जाना ही चाहिए जो भी उसके मालिक है, तो संबंध बना रहेगा। इसलिए और 10,000 से अधिक गौठान हम लोग बना चुके हैं, अब रोका छेका शुरू करेंगे, पानी अब गिर गया है उसकी भी घोषणा करनी पड़ेगी। सब जगह जो चरवाहे हैं वो लाठी पकड़े और सब हमारे खुले में भी परंपरा रही है, तो मैं हूं इस आर में जाने की जरूरत नहीं है।
एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो तुलाराम परगनिया जी के बारे में। बहुत लोग जानते हैं, जो बुजुर्ग हैं उम्रदराज लोग हैं वो परगनिया जी को जानते हैं, जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानते। परगनिया जी का जो गांव है वो भिमौरी है, वो हमारे समाज के पहले तहसीलदार हैं, पहला तहसीलदार। और उसके उसने अपने घर में ही तहसील कार्यालय बनाया है, आज भी तहसीलदार का कोर्ट लगा बना हुआ है घर में, तहसीलदार कोर्ट कहते हैं। घर में उस समय बना था, अंग्रेजों का समय था, लेकिन वो तहसीलदार थे, उसी घर में ही बाड़े में भी तहसीलदार का कोर्ट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने सारी जमीन दान में दे दी, उनके एकमात्र लड़की थी गुरुदेवी, सबसे छोटा गांव ये बगल, ये गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये चरौदा धरसिंह चरौदा के पास उसका गांव है, सबसे छोटा गांव उन्होंने दिया, बचत सब आर्य समाज को दे दिया। एक और शर्त उन्होंने रखी, उसके भतीजा थे, भिमौरी बड़ी बस्ती, उन्होंने शर्त रख दी थी कि जब मेरा भतीजा ये कर लेगा तब उस इस गांव की एक चौथाई मालगुजारी मिलेगी। और मजेदार बात यह है कि तमाम प्रयासों के बाद वो अपने जो तीसरे लड़के हैं उसके साथ वो बीए ग्रेजुएशन किया, तब जाकर जमीन मिली तीसरे लड़के के, तीसरे बेटे के साथ भी परीक्षा दिलाने गया और साथ में ग्रेजुएशन किया, तब जाकर जमीन मिली उसको। तुलाराम जी हमारे कुर्मी समाज के संस्थापक व्यक्ति हैं, समाज के संगठन 1935 में उन्होंने किया था और तब से समाज हमारा चला आ रहा है। लेकिन विभीषिका देखिए, जिस आदमी ने समाज का गठन किया और आर्य समाज के कार्यक्रम में हरियाणा जैसे मुख्यालय है वहां गए, पहले हम छत्तीसगढ़ के महिलाएं ये ब्लाउज नहीं पहनती थी, उसको पोलका बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, पोलका, अभी जो ब्लाउज पहने हुए ना उसको पोलका कहते थे, पहले ये ब्लाउज पोलका नहीं पहनते थे। उसकी लड़की जब पोलका पहन के आए तो समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया, जिसने समाज को संगठित किया, ये भी घटना घटी। तो तुलाराम परगनिया जी बहुत उच्च कोटि के समाज सुधारक भी रहे, आर्य समाज से जुड़ने वाले वो पहले व्यक्ति जिन्होंने आर्य समाज से जुड़ के शिक्षा के क्षेत्र में जो काम उन्होंने किया, शिक्षा एकमात्र माध्यम है जिससे व्यक्ति का विकास संभव है और उस दिशा में उन्होंने काम किया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में आप सब जानते हैं कि समाज सुधार के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है वो अद्वितीय है, क्योंकि उस समय जो अंधविश्वास है, कुरीति है, महिलाओं को संपत्ति से दूर रखना, शिक्षा से दूर रखना, उसे दबा कर रखना, ये जो प्रवृत्ति है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की। और जहां आर्य समाज ने हरियाणा और पूरे देश भर में वो घूमे और प्रचार प्रसार भी किया, कुरीति के खिलाफ संघर्ष किया, हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी उसी दौर में 1824 में आपका प्रागट्य हुआ और 1856 में गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ है। और उन्होंने भी सत्य के ही, अभी आपने देखा अभी पंथी नृत्य के माध्यम से गुरु घासीदास जी ने भी सत्य के मार्ग में चलने की बात कही, मनखे एक समान का संदेश, मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं, सभी मनखे हैं, मनखे छत्तीसगढ़ी में और अंग्रेजी में एक समानता है, इसमें स्त्रीलिंग पुरलिंग नहीं होता, जैसे अंग्रेजी में आई को उसमें पूछा वो लड़की हो लड़का हो सभी बोलेंगे, है ना, आई मिटी तो वो भी वो सब लड़की भी बोलेगी और लड़का भी बोलेगा। हमारे हिंदी में यह है कि मैं खाता हूं, मैं खाती हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ी में भी वही है, मैं जा था, मैं आवा था, मैं खावा था, वो महिला भी बोलेगी और पुरुष भी बोलते हैं, तो इसमें लिखी है। उसमें उन्होंने कहा मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया। देखिए समाज सुधार के दौर पूरे हिंदुस्तान में चला है, एक दौर था जो कबीर जी, तुलसीदास जी और तमाम और जो भक्ति काल के जो आंदोलन था, और दूसरा जो समाज सुधार का जो दौर था जिसमें दयानंद सरस्वती की बात आती है तो ब्रह्म समाज, उधर बंगाल में ब्रह्म समाज, इधर गोविंद रानाडे उसी प्रकार से महाराष्ट्र में समाज सुधार कर रहे थे, हमारे छत्तीसगढ़ में उसी दौर में गुरु घासीदास जी समाज सुधार की दिशा में
जब दयानंद सरस्वती जी जाति भेद की बात, जाति भेद नहीं होनी चाहिए, जाति को समाप्त करने की बात थी, गुरु घासीदास भी जाति भी समाज के निर्माण छत्तीसगढ़ में करने की कोशिश की। और आज 13% जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सतनामियों की है, 12-13%। तो वो एक दौर था जिसमें सारे ये जाति तोड़ो, पंक्ति तोड़ो, जाति तोड़ो, इस प्रकार के आंदोलन जो चले, लेकिन जाति की जो जड़ इतनी गहरी है वो समाप्त होने वाली नहीं है। कितने महापुरुष, चाहे गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, वो लोग भी कोशिश किए और फिर वो जड़ता है, फिर पकड़ लेता है और फिर हम उसी फंस जाते हैं। तो जाति का जो आधार है, अच्छा हिंदुस्तान में तो कर्म के आधार पर जाति की बात हुई, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि अब वो परिभाषा बदल गया, कर्म के हिसाब से पहले जातियां बनती थी, अब जन्म के हिसाब से जातियां बन गई, और उसके कारण से जो समाज में जो कमजोरी आई उसका हम लोग भुगतान भोगे, और देश गुलामी तक पहुंचा, आक्रांत हुए, कितने बार आक्रमण हुआ और उस दंश को हम लोगों ने झेला, लेकिन आज समाज को, समाज में शिक्षा का स्तर लगातार सुधार हो रहा है, महिलाओं की शिक्षा में सुधार हो रहा है। आज तो आप कॉलेज में जाइएगा छत्तीसगढ़ के, तो 60% महिलाएं, लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, 40% में लड़के हैं। मैं यूनिवर्सिटी में भी इस साल कोरोना के कारण से कन्वोकेशन नहीं होता सारी यूनिवर्सिटी में, अब इस साल रविशंकर यूनिवर्सिटी में, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय में, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में अभी सब कोई पीएचडी किए हैं, एमए किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सबकी डिग्री बांटा, तो उसमें अधिकांश सब महिलाएं थी, लड़कियां सबसे ज्यादा उसमें दिखाई दे रही। तो जो स्वामी जी ने, महर्षि दयानंद जी ने जो आंदोलन चलाया था, आज उसका परिणाम हम देखते हैं कि लड़कियां हमसे आगे निकल गई हैं, चाहे अब जनप्रतिनिधि के रूप में देखें, राजीव जी ने जो पंचायती राज लागू किया, 30% का आरक्षण दिया, लेकिन आप जाग देखिए किसी पंचायत में, जनपद में, जिला पंचायत में वो 60% से अधिक उनकी उपस्थिति, नगर निगम नगर पालिका वगैरह में थोड़ा सा काम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे महिलाओं की संख्या जनप्रतिनिधि रूप में अधिक है। तो इस प्रकार से परिवर्तन आया, तो समाज सुधार निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि समाज गतिशील है, और समाज में जब आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारी कुरीति, बहुत सारे अंधविश्वास आते रहते हैं। तो जब तक कि जैसे रोज हम लोग अपने शरीर को साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, उसी प्रकार से ये समाज रूपी शरीर का निरंतर सफाई होते रहना चाहिए। और इसलिए जितने भी हमारे समाज सुधार के संगठन हैं उसको निरंतर गतिशील रहना चाहिए, ताकि समाज में जड़ता ना आए, समाज में जो विसंगति है, समाज में कुरूति है, समाज में अंधविश्वास है, वो हटते रहे और समाज प्रगति की ओर आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, आप सब ने मुझे अवसर दिया, सम्मान दिया, इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए पुनः महर्षि दयानंद सरस्वती को प्रणाम करते हुए, स्वामी अग्नेश को भी स्मरण करते हुए, तुलाराम परगनिया जी को स्मरण करते हुए अपने वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय आसाम। बहुत बहुत आभार हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, बहुत सुंदर हम सभी।